बिंदास बोल में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए जलते हुए आसाम का। हम आपको पूछ रहे हैं कि क्या आसाम भी कश्मीर बनने जा रहा है, और इस समस्या पर अब तक जितने भी कॉलर ने कॉल किया पूरी सहमति बताई है, और जितने भी सोशल नेटिजन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है 100% इस सवाल के साथ है। SMS करने वाले भी 100% इस सवाल के साथ है। आप किसके साथ है, आप क्या कहना चाहते हैं? चुप मत बैठिए, क्योंकि ऐसे मुद्दे पर अगर चुप बैठेंगे तो देशभक्ति पर आपके सवाल का निशान उठ सकता है। आइए हम अब परिणाम की दिशा में जाएंगे, और कुछ कॉलर अपनी बात को कहना चाहते हैं, पहले उनको सुनते हैं। नमस्कार। हाँ जी बोलिए। बोलूं? हाँ हाँ जी, मैं बोल रही थी। हाँ पहले तो मैं सुरेश जी आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप ऐसा विषय लाए जब आज की भारत का मीडिया बिल्कुल सोया हुआ है इस इशू पर, और आपने इस प्रोग्राम को आप लाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब गोधरा होता है तब तो मीडिया और संसद चुप रहती है हिंदुस्तान की, और जब गोधरा के प्रतिक्रिया अपने गुजरात के दंगे होते हैं तो ये तथाकथित प्रगतिशील मीडिया जो है शोर मचाने लगती है। जब कोसी उत्तर प्रदेश में दंगे हुए, हिंदू मारे गए, तो मीडिया में एक शब्द भी नहीं आया, और अभी बरेली में कांवरियों के ऊपर पथराव हुए, गोलियां चली, तो भी मीडिया कुछ नहीं कहता है। और करीब महीने भर से आसाम जल रहा है लेकिन हमारा मीडिया उस पर कुछ भी नहीं कह रहा है। अब ये मीडिया अपने आप में जब को चौथा स्तंभ कहने का काम करता है उसकी, और अगर कश्मीर की स्थिति को नेहरू भी बिगाड़ा है तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि वर्तमान स्थिति बिगाड़ने में कांग्रेस के अलावा, कांग्रेस और तथाकथित सेकुलर दल जो है उनके अलावा ये मीडिया भी जिम्मेदार है। बिल्कुल, धन्यवाद सुनील जी। मीडिया के ऊपर आप प्रतिक्रिया दे चुके हैं, हम परिणाम की दिशा में जा रहे हैं। हम विस्तृत से देश को समझाना चाहेंगे आपके द्वारा कि ये परिणाम केवल आसाम के कुछ जिलों तक का नहीं है, ये बोडो कम्युनिटी तक इसका परिणाम नहीं रहने वाला है, तो ये कितना व्यापक है जरा आप नजर डालिए। देखिए, सबसे पहले तो पूरा आसाम जलने लगेगा, आज तो यहाँ शुरुआत हुई है, इसको समय पर रोकने का प्रयास करना चाहिए। बहुत बड़े पैमाने पर बांग्लादेश से हथियार गए महीने में आए थे, एक नाव में भर के, तीन नाव भर के हथियार आने वाले थे, लेकिन किसी कारण से दो नाव नौकाएं नहीं आ पाई, एक नाव भर के आए। धुबड़ी जिले में और कोकराझार जिले में ये हथियार छुपाए गए, और इन हथियारों का उपयोग दंगाइयों ने किया, ऐसे आज ही आसाम के कुछ अखबारों ने रिपोर्ट छापी हुई है। और ये और भी हथियार आएंगे, पहले से भी रखे हुए रहेंगे। सबसे पहले आसाम पर कुर्हाड़ गिरेगी, जो गिर चुकी है, शुरुआत हो गई है। इसके बाद में देखिए पश्चिम बंगाल में ये जलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये वोटों की राजनीति के कारण CPM ने भी इसी तरह से बांग्लादेशियों को वहाँ पर आश्रय दिया और उनको बहुत बढ़ावा चढ़ावा दिया, उनको सब प्रकार की हलवा पूरी खिलाने का काम किया और उनके एक साथ सारे वोट अपने को पाने का प्रयास किया। अब वहां पर ममता बनर्जी का शासन है। देश का दुर्भाग्य है कि आज ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ वही व्यवहार कर रही है जो पहले CPM किया करता था। इसलिए आप देखते रहेंगे आने वाले दिनों में बंगाल जलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठी है तो बांग्लादेशी घुसपैठी है सब जगह पर, उनका कैरेक्टर सेम है, चाहे बंगाल हो, चाहे आसाम हो, चाहे दिल्ली हो। दिल्ली में दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश है, यहाँ पर कम से कम 20 लाख बांग्लादेशी दिल्ली में है, उनकी बस्तियां हटाने का आदेश यहाँ के हाईकोर्ट ने दिया हुआ है, लेकिन गए 15 साल से यहाँ की कांग्रेस की गवर्नमेंट उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर रही है। ये बांग्लादेशी पूरे देश भर में फैलते जा रहे हैं, ये लव जिहाद में जैसे आसाम में शामिल है वैसे यहाँ पर भी है। इनके अंदर ऐसे ग्रुप्स बने हैं कि अब इनमें से इंटेलिजेंट बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाए, और प्रशिक्षण देने के बाद IAS ऑफिसर्स उनको बनाया जाए, इंडियन सिविल सर्विसेज में इनको भेजा जाए, इसलिए तैयारियां हो रही है, इनके अलग प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं। बिल्कुल, मतलब जैसे इसराइल में होता है कि वहां की इंटेलिजेंस एजेंसियों में दूसरे देशों के बच्चे घुसाए जाते हैं और उनको फिर बड़ा बनाकर उसका प्रमुख बनाने तक लिया जाता है, और उसका फायदा वो देश करता है जिसने इन्फिल्ट्रेशन किया है। ये भारत में भी हो रहा है, ये बिल्कुल है, और भारतीय मुसलमानों को ये चेतावनी है कि भारतीय मुसलमानों का भारतीय समाज के साथ जो सालों से समरस रहना है, इस समरसता को जो है बहुत बड़ा धक्का ये बांग्लादेशी घुसपैठिए पहुंचाएंगे। एक बांग्लादेशी आकर बम फोड़कर चला जाएगा लेकिन वहां का स्थानिक मुसलमान बदनाम हो जाएगा और हिंदू मुसलमान वहां पर लड़ते रहेंगे। इसलिए भारतीय मुसलमानों ने भी सारे हिंदुओं के साथ खड़ा रहकर बांग्लादेशियों को अपने बस्तियों से निकाल बाहर करना चाहिए। भाई तुम बांग्लादेशी घुसपैठिए हो, हम मुस्लिम है इसलिए मुसलमान होने की दुहाई देकर हमारे बस्तियों में तुम बताओ। ये भारतीय मुसलमानों ने अपना व्यवहार दिखाना चाहिए, तब जाकर इनको यहां पर कोई रखने वाला नहीं रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि वो वोटों के भूखे भेड़िए तो उनको बुलाते रहेंगे, कांग्रेस तो बुलाती रहेगी, CPM बुलाती रहेगी,
क्योंकि उनकी वोट बैंक एक तरफ खिसकती रही है, महंगाई के कारण हो, भुखमरी के कारण हो, किसानों ने की हुई आत्महत्या के कारण हो, और दुनिया भर के समस्या भ्रष्टाचार के कारण हो, तो ये खिसकती वोट बैंक को रिप्लेस करने के लिए और बांग्लादेशियों को बुलाने का पाप कांग्रेस इस देश में जरूर करेगी। बड़ी ही जिसको छोड़ा नहीं जा सकता इसी प्रतिक्रिया फेसबुक पर शीला व्यास नोएडा से कर दी है कि इस दंगों को इसलिए भी बढ़ने दिया कि ये खबरों में छाए और अन्ना आंदोलन दब जाए। क्या कहेंगे? संभावना को मना नहीं कर सकते हैं ये, लेकिन ये खबरें तो जितनी चाहिए उस मात्रा में आ भी नहीं रही है ना। फिर भी जो आ रही है ये और बढ़े, मतलब ये गंभीर मुद्दा है, सरकार के ऊपर आरोप है और इसको भी हमने नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक और कॉलर से सुनते हैं, क्या बोलते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, बोलिए सर। मैं राजीव सोनी। बोलिए राजीव जी। सर मैं ये कहना चाहता हूँ आज के मुद्दे के बारे में, आज सरकार किसकी है? कांग्रेस की। कांग्रेस की तो प्रेसिडेंट खुद वाइब्रेशन है, तो वो विदेशियों को कैसे भगाएंगे? और दूसरा, आपने अभी कहा था कि पूरा ये कश्मीर अपना असम भी कश्मीर बनता, तो अगर कांग्रेस का सर राज रहा तो पूरा हिंदुस्तान ही कश्मीर बन जाएगा, सिर्फ एक स्टेट को छोड़कर जहां पर एक शेर बैठा हुआ है, गुजरात। धन्यवाद। हम एक और कहा था कि अपनी बात सुनते हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं, बिंदास में लोकतंत्र है, भले देश में हो ना हो आप अपनी बात को कह सकते हैं। आप अगर हमसे असहमत भी है तो भी आपको कहने का हम पूरा मौका देंगे और अपनी बात कहने देंगे। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। नमस्कार सर। बोलिए, क्या कहना है? सर मैं हाँ सर, ये जो सरकार है ये गरीब के सामान कितनी इतनी नहीं है सर, ये सरकार जब गिरेगी तब ये भारत सुधरेगा। और दंगे हो रहे सब सरकार के हाथ में सर, ये कुछ काम के लिए सरकार करे। बिल्कुल, धन्यवाद सुनील जी। हम परिणामों पर बात करें और इन परिणामों में राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ जो आर्थिक परिणाम हैं इस विषय पर भी प्रकाश डालने के लिए कि यहाँ पर एसएमएस आया है। पंढरी जाधव मुंबई से एसएमएस करके कहते हैं कि सुनील जी आपके लिए मैसेज है कि इसके परिणाम केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के ना होकर अन्य भी हैं, जैसे आर्थिक, सांस्कृतिक, ये भी बताएं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, आज अगर 4 करोड़ बांग्लादेशी भारत के अंदर घुसे हुए है और कुल मिलाकर के एवरेज 10 रुपया भी किसी भी केंद्र, राज्य और स्थानीय प्रशासन का मिलकर दिन का अगर एक व्यक्ति के ऊपर आज अगर खर्चा होता है, ये अगर हम मानते हैं बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, विद्यालय, सारी नागरिक सब कुल मिलाकर 10 रुपया भी खर्चा होता है, तो इन 4 करोड़ लोगों का 40 करोड़ को दिन का खर्चा हो गया, तो 1200 करोड़ तो महीने का खर्चा हो गया। मतलब इसका पूरे साल का बजट के ऊपर पड़ने वाला बोझा निकालिए ना। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए ये नॉन टैक्स पेइंग लोग हैं, वो ऐसा कोई भी व्यवसाय नहीं करते हैं कि जिससे वो इस देश को टैक्स भरते हैं, और वो उनके बल पर आज यहां पर रह रहे जो इस देश में टैक्स भरते हैं। मतलब एक बहुत बड़ा समाज टैक्स भरता रहे और ये बांग्लादेशी घुसपैठी है यहां पर आए, हलवा पूरी खाए, बिरयानी खाए, सारी देश की व्यवस्थाओं का यहां पर उपयोग करे, मुंबई में रहे, 24 घंटा बिजली पानी वहां पर पिए, लेकिन जब भारत माता की जय या वंदे मातरम बोलने का मौका आएगा, तिरंगे के सामने सलाम करने का मौका आएगा, उस समय वो गद्दारी करेंगे, नमक हरामी करेंगे। यही उनका सारे देश में चलने वाला जो धंधा है ये राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरे में डालता है, ये आर्थिक व्यवस्था को भी खतरे में डालता है और साथ साथ हमारे संस्कृति के ऊपर भी वो आघात करते हैं। वो जो भी हो, जगह जगह पर थोड़े बहुत जो मुसलमान, मराठी मुसलमान है, कहते हैं कि कई जगह पर अलग अलग यात्राओं में सम्मिलित होते हैं, हमारे शिरडी के साईं बाबा के दर्शन के लिए आते हैं, कुछ गणेशोत्सव में जाते हैं, आज ऐसे मुसलमानों की संख्या देश भर में है कि जो जहाँ के स्थानीय त्योहारों में हिस्सा लेते हैं, लेकिन बांग्लादेशी नहीं लेते हैं। बांग्लादेशी तो पूरी कड़वाहट लेकर इस देश के अंदर आते हैं, तो वो जरूर इस देश के सांस्कृतिक एकात्मता का जो धागा है उस धागे को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो ये आर्थिक है, सामाजिक समस्या है, हमारे देश की एकात्मता की समस्या है और चारों बाजू से इस देश को डिसइंटीग्रेट करने की एक बहुत बड़ी भयंकर साजिश है। बिल्कुल, हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिस रिपोर्ट में दर्शाया गया है इस समस्या का पूरा तब से लेकर अब तक का हाल। ओ
कोकराझार जिले के दो छात्र नेताओं पर अज्ञात लोगों के द्वारा गोली चलाई गई। जवाबी हमले में बोडो लिबरेशन टाइगर संगठन के 4 पूर्व सदस्य मारे गए। इसके बाद धीरे धीरे हिंसा अन्य जिलों में फैल गई। ऑल असम माइनॉरिटी यूनियन ने हिंसा के खिलाफ बंद का आह्वान किया था, जिससे हालात और खराब हो गए और अब पूरा असम हिंसा की आग में जल रहा है। अब तक 58 लोग इस हिंसा में मारे जा चुके हैं। हिंसा 11 जिलों और 500 गांवों तक पहुंच चुकी है। सुरक्षा बलों के 13,000 जवान तैनात किए गए हैं। हिंसा प्रभावित इलाकों के 9,00,000 लोगों ने 150 राहत शिविरों में शरण ले रखी है। हिंसा ग्रस्त इलाकों के अब तक 11 लोग लापता हैं। रेल सेवा बाधित होने से हजारों लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। 1983 के नस्ली हिंसा में लगभग 3,000 लोगों की मौत हुई थी। 2 करोड़ बांग्लादेशी भारत में आकर बस चुके हैं। हालांकि इस रिपोर्ट में जो 2 करोड़ वाला आंकड़ा है, ये अपुष्ट या पुराना आंकड़ा है। अब तो ये संख्या सुनील जी भी 4 करोड़ कह रहे, लेकिन जो मैं लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट अभी पढ़ रहा था उसके अनुसार ये 5 करोड़ भी हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि इसका कहीं आकलित संकलन नहीं किया गया है। हम अगर देखेंगे तो इस देश के कई सिग्नल्स पर, बल्कि करीब करीब हर रेड लाइट पर, हर चौराहे पर भीख मांगने वालों की संख्या में सबसे ज्यादा अगर कोई है तो बांग्लादेशी घुस बैठे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। एक तो उस मुद्दे पर आने से पहले जो आपने रिपोर्ट दिखाई उसके शुरुआत में जो बताया उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। बिल्कुल बोलिए। यहाँ पर 19 जुलाई को वहां पर जो ऑल बोडोलैंड माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन नाम की एक बोडोलैंड के अंदर माइनॉरिटी बांग्लादेशी घुसपैठियों की एक संस्था है, उसके 2 पदाधिकारियों पर अज्ञात व्यक्तियों ने गोलियां चलाई, जो रिपोर्ट में बताया था। मैं आपको बताता हूं ये अज्ञात व्यक्ति कौन थे। वहां पर ऑल माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन अमसू नाम की एक संगठन है जो पूरे आसाम की है, उनका और ये ऑल बोडोलैंड माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन इनके साथ पंगा है। तो एक बांग्लादेशी घुसपैठियों के स्थानिक संगठन के नेताओं के ऊपर असम स्तर पर काम करने वाले दूसरे बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठियों की संगठनाओं के लड़कों ने गोलियां चलाई थी। मतलब गोलियां चलाई घुसपैठियों ने घुसपैठियों के ऊपर, और फिर उसका इल्जाम डाला बोडो लोगों के ऊपर और 4 बोडों को जो है वहां पर मार डाला गया। और उसके बाद में ब्रह्मदेव भगवान का मंदिर, ब्रह्मा का मंदिर जिसको बोडो लोग मानते हैं, उस ब्रह्मा के मंदिर को जलाया गया। तब जाकर बोडो समाज क्षुब्ध हो गया और दोनों तरफ से दंगे शुरू हो गए। तो ये तो एक पहले तथ्य की बात हुई। दूसरा जो आपने बताया कि पूरे देश भर में जो अलग अलग प्रकार के व्यवसायों में देखे जाते हैं, वेश्या व्यवसाय करने वाली जो महिलाएं हैं उनमें बहुत बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठी महिलाएं पकड़ी जाती है। चाइल्ड लेबर्स जो मिलते हैं, बीच में एक 7-8 साल पहले मुंबई में 13,000 चाइल्ड लेबर्स पकड़े गए थे। इन चाइल्ड लेबर्स का ये कुछ ऐसे प्रोफेशनली सोशल वर्क करने वाली संगठनाएं जो है उनका पुनर्वसन करती है, और वो वहां पर बिहार में जाकर उनका पुनर्वसन और टेलीफोन के ऊपर आप थोड़ा डोनेशन दीजिए करके लोगों को डोनेशन मांगने वाली संस्थाओं ने वहां पर पुनर्वसन किया था। मैंने वहां पूछताछ की, कुछ लोगों को भेजा, सर्वे किया, उन 13,000 बच्चों में से, चाइल्ड लेबर्स में से 10,000 चाइल्ड लेबर या बांग्लादेशी घुसपैठियों के बच्चे थे। मतलब हमारे देश से जमा होने वाला एनजीओ के माध्यम से धन बांग्लादेशी घुसपैठियों के बच्चों के पुनर्वसन के लिए इसी देश के अंदर लगाया जाता है। कितना, देखिए कितना बड़ा भयंकर दुर्भाग्य है हमारे देश का। और हम भी मूर्ख हैं, कोई भी फोन करता है और बोलता है हम सेवा कार्य कर रहे हैं, आपको ये मिलेगा, आपको वो कंसेशन मिलेगा, आप हमको डोनेशन दीजिए, और हम लोगों को डोनेशन दे देते हैं बिना पूछताछ के कि ये डोनेशन कहाँ जा रहा है। बिल्कुल, और डोनेशन भी जाता है और भीख भी जाती है। और ये पैसा फिर इस देश में खर्च नहीं होता, ये वापस बांग्लादेश भेजा जाता है। और भी कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, हम सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी, लखनऊ से बोल रहा हूँ, सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार, हेलो, बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो, हाँ बोलिए, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। हेलो, शायद कॉलर तक हमारी आवाज नहीं जा रही। हम कहेंगे कि यहाँ से देने वाले इंस्ट्रक्शन को अगर आप सही तरीके से फॉलो करें तो आपकी बात ज़्यादा अच्छी तरीके से रखी जा सकेगी। अगले कॉलर के पास भी जाएंगे, देखेंगे वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले हमारे साथ और भी कई जो कॉलर जुड़े हैं, चलिए पहले कॉलर को लेते हैं। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी,
मैं सुदर्शन टीवी के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आज आसाम के अंदर जो हिंदुओं की जो ये स्थिति है उसके लिए हमारे हिंदू नेता ही जिम्मेवार है। हिंदू नेता ही जिम्मेवार है जो अपने संद राजनीतिक स्वार्थों के कारण हिंदू हितों की बात खुल के नहीं कर रहे हैं। अब हिंदुओं को ये देखना चाहिए कि तुम्हारा कौन है और कौन नहीं है, ये देखने का वक्त आ गया। दिग्विजय सिंह जैसे नेता हमेशा हिंदुओं की बुराई करने में लगे रहते हैं सरेआम, अब हिंदुओं को जागना चाहिए। धन्यवाद सुनील जी। ये खास करके भाजपा के लिए मुझे लगता है इनका इशारा था कि बीजेपी के लोग इन सब बातों को उठाने के बजाय आपस में जो प्रधानमंत्री बनेगा कि नहीं, पार्टी सत्ता में आएगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन उसके विवाद में लगे रहते हैं। जी मैं इनके बात से पूरी तरह से असहमत हूँ, ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल अच्छी तरह से जानता हूँ कि थोड़ा बहुत अगर सारे देश के अंदर सारे अलग अलग विषयों के साथ साथ अगर नॉर्थ ईस्ट को उठाने का अगर कोई प्रामाणिक प्रयत्न करता है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अगर कोई प्रामाणिक विचार करता है, तो मेरा पूरा विश्वास है कि ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। शायद कॉलर का हिंदू नेता जो बोल रहे हैं उसमें तरुण गोगोई कौन है, वो हिंदू ही है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कौन है, वो हिंदू ही है। मैं मानता हूं कि ये सारे हिंदू नेता जो आज अपने आप को कम्युनिस्ट बोलते हैं, अपने आप को ममता बनर्जी क्या है, वो तो हिंदू ही है। ये हिंदू नेता ये इन हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहे, ये मैं मानने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। लेकिन अभी कम से कम एक राजनीतिक दल जो पूरी तरह से अपने इस काम में लगा हुआ है उसको भी अगर हम क्रिटिसाइज करना शुरू करेंगे तो फिर राजनीतिक दलों में फिर हिंदू कॉज को सपोर्ट करने वाला बचेगा कौन? तो हमने थोड़ी बुद्धिमानी भी बरतनी चाहिए। और चलिए मतलब कोई नहीं है इसलिए बीजेपी को सपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ, अगर दूसरा कोई राजनीतिक दल अगर समर्थन करता है तो बिल उसके साथ भी खड़ा रहना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता, मैं कहता हूं जो कॉज के साथ खड़ा रहेगा ऐसे हर व्यक्ति के पीछे हमने खड़ा रहना चाहिए। कल मान लीजिए सीपीएम अगर हिंदुओं का हित बोलना शुरू करता है असम के, तो क्यों ना हम उसका समर्थन करें। लेकिन जो कर रहे हैं उनको नाहक बदनाम करने में मुझे तो कोई मुद्दा लगता नहीं। बिल्कुल, चलिए आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, बीजेपी के ही स्पोक पर्सन क्या कहते हैं इस विषय पर, सुनते हैं राजू प्रताप रूडी की बाइट। हम कांग्रेस जो अपने आप को गैर सांप्रदायिक कहती है और दूसरे राज्यों पर दूसरे लोगों पर उंगली उठा, असम के इस सांप्रदायिक हंगामे में साम्प्रदायिक दंगों के बारे में क्या देश के प्रधानमंत्री बताएंगे जो स्वयं उस असम राज्य से प्रतिनिधि है? भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर आज इस देश के प्रधानमंत्री से असम के इस सांप्रदायिक दंगे पर सीधा सवाल करना चाहेगी कि क्या उस स्थिति से उबरने के लिए, क्या इस सांप्रदायिक दंगे से जिसमें असम की सरकार की भूमिका प्रत्यक्ष रूप से दिख रही है, हम देश के प्रधानमंत्री से इस सवाल का सीधा उत्तर चाहेंगे। चलिए शायद मनमोहन सिंह भी भूल गए होंगे कि वो राज्यसभा में असम से आते हैं। हम यहां पर कारणों पर नजर डालते कि क्या कारण है। देखिए असम भी कश्मीर की आग से झुलस जाएगा। जैसे कश्मीर को देश से अलग करने की साजिश रची जा रही है, वैसे ही अब असम में शुरू हो गया है। अब ये घुसपैठिए मूल निवासियों को भगाकर स्वतंत्र देश की मांग शुरू कर देंगे। निर्दोष लोगों की हत्याएं बढ़ जाएंगी। जो असम के मूल निवासी हैं, उन्हें ही अपनी संपत्ति और घर बार को छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। महिलाओं और बच्चों की हत्याएं की जा रही है। देश टूट जाएगा। अगर सरकारें वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसे ही घुसपैठियों का साथ देती रहेगी तो आने वाले समय में देश के लोगों का अपने ही देश में रहना मुहाल हो जाएगा। घुसपैठिए देश में अपनी राजनीति ताकत बढ़ाकर कुछ दिन बाद अपने लिए अलग ही देश की मांग शुरू कर देंगे। देशवासियों का अपनी सरकारों से ही विश्वास उठ जाएगा। ये सरकारें देशवासियों की नहीं विदेशियों के लिए ही अपना सब कुछ लगा देती हैं। विदेशियों को देशवासियों के अधिकार दिए जाते हैं, देशवासियों को सताया जाता है, विदेशियों की चापलूसी की जाती है, देशवासियों के हक को छीना जाता है। मूल निवासियों को देश से निकाल दिया जाएगा। जैसे कश्मीर पंडितों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, वैसे ही दूसरे समुदाय जैसे असम के बोडो समुदाय के साथ हो रहा है को भी अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। एक दिन देशवासियों को विदेशियों के लिए अपना देश छोड़कर एक बेगाने देश जाना पड़ेगा। और वो बेगाना देश निश्चित तौर पर सुनील जी मुझे लगता है कोई इस देश के आसपास नहीं है, होगा तो समुंदर है जिसमें जाकर शायद जान दी जा सकती है, क्योंकि भारतीय लोगों को संभाल ले सकता है ऐसा देश हमारे पड़ोस में तो निश्चित तौर पर कोई नहीं है। आपने जो परिणाम बताए हैं ये बिल्कुल सही है, इसलिए एक
पूर्व कॉलर की बात को मैं समर्थन करता हूं, उन्होंने ऐसे कहा कि एक शेर बैठा हुआ है गुजरात में कि जहां हिम्मत तो नहीं करेगा लेकिन पूरे भारत में बाकी जगह पर होगा। मेरा यह कहना है कि हर भारतवासी ने शेर बनना चाहिए, हर भारतवासी ने ये जिम्मेवारी का एहसास उसको होना चाहिए और जिम्मेवारी से काम करना चाहिए। अपने आने वाले बच्चों को उसने सिखाना चाहिए, आने वाले बच्चों के हाथ में अगर एक सुरक्षित भारत देना है तो बांग्लादेशी घुसपैठ, कश्मीर से होने वाली घुसपैठ, पाकिस्तानियों से होने वाली पाकिस्तानियों की घुसपैठ, ये सारे प्रकार के घुसपैठियों से सजग रहना, अपने एरिया में कौन नए लोग आ रहे हैं उनके ऊपर वॉच रखना। एक जमाने में अलग अलग प्रकार के लोग आकर सुबह में जागृति करके जाते थे, जैसे हमारे महाराष्ट्र में वासुदेव होते थे, वो दरवाजे दरवाजे पर जाकर जागृति करते थे, बिल्कुल उसी तरह से कहाँ कौन है इसके बारे में सतर्क रहना, आंखें खुली रखना, अपने बच्चों को उसके बारे में सतर्क करना, ये बहुत जरूरी है। बच्चों को शेर बनाना चाहिए और बिल्कुल सुदर्शन टीवी जैसे चैनल अगर इस प्रकार का जागरण का काम करते हैं तो वो धन्यवाद पात्र है और वो एक ऐतिहासिक भूमिका निभा रहे हैं, इसके ऊपर मेरा पूरा विश्वास है। बिल्कुल, और इसलिए हम कहते हैं कि जब देश के कुछ चैनल इस देश के युवाओं को बकरा बनाने का काम करते तो हम कहते हैं कि बकरा नहीं शेर बनाएंगे, और इसलिए बिंदास बोलने की आदत डालिए, क्योंकि अगर आप चुप बैठेंगे तो आप शेर नहीं बन सकते, आपको शेर बनने के लिए आपको दहाड़ना होगा, और बेखौफ दहाड़ने वालों को विदाउट एडिट सीधे लाइव देने की साहस हम आपको बिंदास के द्वारा देते हैं। आइए हम उपाय दिखाते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। असम से तुरंत घुसपैठियों को बाहर निकाला जाए। जो करोड़ों बांग्लादेशी घुसपैठिए असम में घुस आए हैं और वहां नंगा नाच कर रहे हैं, उन्हें तुरंत असम से बाहर किया जाए। अगर उन्हें बाहर नहीं किया गया तो आने वाले समय में असम भी कश्मीर बन जाएगा। कांग्रेस सरकार वोट बैंक की राजनीति बंद करे। कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति का फायदा उठाकर ही ये घुसपैठिए इंदिरा गांधी की सरकार के समय से देश के सीमावर्ती इलाकों में तांडव कर रहे हैं। कांग्रेस इन्हें अपना वोट बैंक बनाकर हर तरह की सुविधा दे रही है। घुसपैठियों से सारे अधिकार वापस लिए जाएं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को पहचान कर उनसे वोट करने का अधिकार, राशन कार्ड का लाइसेंस और दूसरे अधिकार वापस लिए जाएं। इसके बाद इन घुसपैठियों को बांग्लादेश वापस जाने का हुक्म दिया जाए। स्थानीय बोडो समुदाय की सुरक्षा बढ़ाई जाए। जैसे कश्मीर पंडितों को कश्मीर से खदेड़ दिया गया, वैसे ही असम के बोडो समुदाय को खदेड़ने की साजिश हो रही है। अगर इनकी सुरक्षा में सरकार ने कदम नहीं उठाए तो एक दिन असम का बोडो समुदाय भी अपने ही घर में बेगाना हो जाएगा। दंगा पीड़ित बोडो समुदाय के लोगों को उनके स्थायी घर पर पहुंचाया जाए। दंगा पीड़ित बोडो समुदाय शिविरों में रहने को मजबूर है, उनके घर को जला दिया गया है। सरकार और सरकारी हुक्मरान तमाशा देख रहे हैं। बोडो समुदाय अपने ही घर में लुटा पिटा घूम रहा है, ऐसे में प्रशासन तुरंत बोडो समुदाय की सुरक्षा पर ध्यान दे। कुछ कॉलर की बात सुनते हैं, कम समय बचाए हम कहेंगे कि कम शब्दों में अपनी बात को रखें। जी नमस्कार, सूरज जी लखनऊ से बोल रहा था, बाधित हो गई थी बात। मैं कहना चाहूंगा कि नॉर्थ ईस्ट क्या दिल्ली से इतना दूर है कि इस गूंगी बहरी और अंधी सरकार को वहां के लोगों की आवाजें सुनाई नहीं दे रही हैं, उनके आंसू उनको दिखाई नहीं दे रहे हैं। बोडो लोग कोई अफगानिस्तान या पाकिस्तान से नहीं आए हैं, यही इसी देश के बाशिंदे हैं और इसी देश के रहने वाले हैं। ये समस्या मूल रूप से न बोडो और मुसलमानों की है, ये मूल रूप से समस्या हिंदुस्तानी और बांग्लादेश की समस्या है। जो बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश के लोग जो यहाँ पर हिंदुस्तान में घुसकर कर अवैध रूप से आकर के रह रहे हैं और हमारे ही संसाधनों का प्रयोग करके हमारे ही ऊपर छाती ठोक करके हमारी छाती पर मूंग दलने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ये समस्या, जो बात मैं कह रहा हूं, अगर उसमें कोई दम नहीं होता तो कल 13 MPs मुस्लिम MPs मिलकर के प्रधानमंत्री से, सारे के सारे 13 MPs मुस्लिम जो है प्रधानमंत्री से मिले हैं और उन्होंने कांग्रेस सरकार की विफलता को इसमें बताया है और ये बताया है कि आप और आपकी सरकार विफल है और उसमें 3 कांग्रेस के सांसद और इनकी सहयोगी पार्टी जो महाराष्ट्र में NCP है उसके सांसद भी थे और सारे के सारे मुस्लिम सांसदों ने मिलकर के ये बात अपनी जगह रखी है। धन्यवाद सुनील जी। उपाय की दिशा में कुछ मिनट बचे हैं, हम चर्चा करेंगे कि जो दिखाए गए, जो हमको दर्शकों ने भेजे हैं, जो कॉलर ने बताए हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट के द्वारा आए हैं और कुछ जो बचे होंगे, ऐसे विषय क्या हो सकते हैं जो उपाय के तौर पर बताए जाए। देखिए, उपायों में एक बात हमने याद रखना चाहिए, आज भी बांग्लादेश में कम से कम 2 करोड़ हिंदू बसे हुए हैं, उनकी सुरक्षा का भी हमने ख्याल रखना चाहिए। केंद्र में ऐसी दमदार सरकार हो, ऐसा दमदार व्यक्ति हो
जो चाहेगा इस समस्या को सुलझाना चाहिए और वो बांग्लादेश सरकार पर दबाव डालेगा और सबसे पहले बांग्लादेश के अंदर ही वहां के 2 करोड़ हिंदुओं के लिए एक जगह अलग निकालकर पहले वहां पर उन हिंदुओं को वहां पर बसाएगा, उनको सुरक्षा की गारंटी देगा। उसके बाद में डिटेक्ट डिलीट एंड डिपोर्ट, उनको पहले ढूंढकर निकालो कहां कहां बांग्लादेशी है। सिर्फ कोई रेशन कार्ड दिखा दिया और आजकल के सबूत दे दिए इसका मतलब कोई हिंदुस्तानी नहीं हुआ, उसको 2-3 पीढ़ियों से अपने सबूत देने पड़ेंगे कि वहां पर वो वहां का स्थायी आदमी है, और वो देने में वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। उनको निकालना, उनके मतदाता सूची से नाम निकालना, सारे सरकारी दस्तावेजों से उनके नाम निकालना, उसको डिलीट करना और बाद में उसको उठाकर बांग्लादेश में डिपोर्ट करना, अगर इसी तरह से वहां पर। लेकिन ये तीनों जो चीजें आपने कही, इन तीनों चीजों में बहुत बड़ी बड़ी समस्या है। जैसे खोजना, वो दिखने में बंगाली दिखते हैं, अरे लेकिन उनकी भाषा है ना, उनकी भाषा खुद बोलती है ना, क्या वो बंगालियों की भाषा पूरी तरह से अलग है? मतलब भाषा से पकड़े जा सकते हैं, आराम से पकड़े जा सकते हैं भाषा से पकड़ने के लिए। जो पकड़ने के बाद पुलिस के पास जाना है, उस कानून में तो बड़ी खामी है। वो तो कानून जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उठाकर फेंक दिया, जिसको IMDT कहते थे। उसमें तो ये था कि आपको तकरार करनी है जाकर पुलिस स्टेशन में कि ये फलाना बांग्लादेशी है, तो आपको जाकर पुलिस स्टेशन में बॉन्ड भरना पड़ेगा, आपके घर से 3 किलोमीटर के रेडियस में उसका घर होना पड़ेगा, और अगर आपने की हुई तकरार गलत निकली, उसने साबित कर दिया वो बांग्लादेशी नहीं है, तो इनोसेंट सिटीजन को हैरेस करने के जुर्म में आप जेल में चले जाएंगे। तो कोई जाते ही नहीं थे। नहीं तो अभी हम उपाय पर ही चर्चा कर रहे हैं, कार्यक्रम को थोड़ा और भले बढ़ाता हूं आगे। ये क्या किया जाए, मतलब लोग जानते हैं पुलिस स्टेशन में कैसे जाए, क्या चीज जानते हैं लोग, जानते हैं कि ये बांग्लादेशी है, आपको ज्यादा मुश्किल नहीं तो आगे है। क्या बिल्कुल, अगर इस तरह से दमदार केंद्र सरकार आती है, नहीं, और मैं सरकार का तो पता नहीं वो कब आएगी, कौन आएगा, कैसे आएगा। आज से करने के लिए जो करोड़ों दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हिम्मत वाले मैं जानता हूं, फिर जाए उन्होंने क्या करना चाहिए तुरंत। तो IMDT एक्ट खारिज हो चुका है, अब उससे डरने की जरूरत नहीं है। लोगों ने अपने यूनिटी करनी चाहिए और ग्रुप में जाकर, पुलिस स्टेशन में जाकर जो बांग्लादेशी बस्तियां हैं उनके बारे में बताना चाहिए। फॉरेस्ट लैंड को खाली करने में क्या जाता है? फॉरेस्ट लैंड में कोई स्थानीय आदमी नहीं घुसे हुए, सारे के सारे बांग्लादेशी घुसे हुए, फिर क्यों नहीं उनको वहां से निकालने के लिए सरकार नहीं पहल करती है, तो स्थानीय समाज क्यों नहीं पहल करता है? बिल्कुल, समाज को खुद की सुरक्षा के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए यूनाइट होना ही पड़ेगा। और अगर ऐसा पुलिस स्टेशन को बताया जाता है और पुलिस स्टेशन फिर भी एक्शन नहीं लिया जाता है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो? तो उसके पुलिस स्टेशन के खिलाफ आप ह्यूमन राइट्स में जा सकते हैं, धरना दे सकते हैं, अपने स्थानीय MLA को जाकर बता सकते हैं भैया कोर्ट में भी जा नहीं किया, तो कोर्ट में जा सकते हैं, तुमने नहीं किया तो फिर अगले बार तुमको तो हम वोट देने वाले नहीं है। ये अनेक प्रकार के तरीके अपनाए जा सकते हैं। बिल्कुल, और उसके बाद आपने जो कहा डिलीट, बता सकते हैं डिलीट, ये तो चलिए सरकारी काम है करने का, लेकिन डिपोर्ट में मैं जानता हूं कि महाराष्ट्र में 1993 से लेके 56 तक जो वहां पर सरकार थी शिवसेना भाजपा की, उन्होंने वहां पर लोगों को ढूंढ के निकाला, स्पेशल ट्रेनों में बुक करके उनको बिठा के भेज दिया, लेकिन बंगाल में तो वहां के कम्युनिस्ट सरकार ने उनको उतार लिया, फिर मुंबई भेज दिया। नहीं नहीं, सिर्फ उतारा नहीं, तो महाराष्ट्र पुलिस को पीटा वहां पर। CPM के लोगों ने महाराष्ट्र पुलिस को पीटा, देखिए ये मुफ्त की उनकी सैर हो जाती है, आप उनको ट्रेन में बिठाएंगे, कलकत्ता जाते हैं, वहां पर उनके हितैषियों को मिलते मिलते और वापस मुंबई आ जाते हैं, इसमें दम नहीं। वापस है आने के लिए भी टिकट की जरूरत नहीं, क्योंकि सीमा पार दूसरे देश में भेजने के लिए आपको केंद्र सरकार की ही जरूरत पड़ेगी। बिना केंद्र सरकार के नीति के, बिना केंद्र सरकार के दमदार एक एक्शन के, आप इसके ऊपर कोई भी हल नहीं निकाल सकते हैं। आम जनता केंद्र सरकार पर प्रेशर डाल सकती है, और आम जनता को प्रेशर डालने के कई तरीके हैं, जो प्रोटेस्ट के तरीके हैं, जैसे अन्ना हजारे जी प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक विषय को लेकर कर रहे हैं, ऐसे कई अन्ना हजारे इस देश में खड़े रहे कि जो इन मुद्दों के ऊपर भी प्रोटेस्ट करे, मासिव प्रोटेस्ट करे, लोग उनके साथ खड़े रहे, ऐसा होने पर एक बहुत बड़ा जागरण आ जाएगा और जो भी सरकार बनेगी वो मजबूर हो जाएगी इस समस्या के ऊपर समाधान निकालने के लिए। बिल्कुल, ऐसे कई उपाय हो सकते हैं, और मैं कार्यक्रम के आखिर में यही कहूंगा कि पिछले कुछ दिनों पहले हमने कहा था कि ये समस्या उजागर होगी, ये हुई है, हालांकि ये नहीं होती तो हम खुश होते, लेकिन ये होगी, ये जो कहा था इसके बाद आज मैं आपको दूसरा भविष्यवाणी करता हूं कि ये समस्या केवल आसाम तक नहीं रहेगी, क्योंकि शायद हम इसको अभी फिलहाल थोड़ा बहुत शांत करने में
कामयाबी होगी, क्योंकि हम ईमानदारी से प्रयास नहीं कर रहे, ना देशवासी, देश के लोक प्रतिनिधि, सरकारी बाबू या राजनीतिक दल इसको ईमानदारी से खत्म करने के लिए प्रयास करें, इसलिए शायद कुछ समय के लिए आसाम में शांत भी हो, ये देश में बनी रहेगी। अगर ये ना बनी रहे, इसके लिए सबसे बड़ा उपाय अगर कुछ है तो सरकार की तरफ मत देखिए, किसी सरकारी संगठन की तरफ मत देखिए, किसी राजनीतिक दल तक भी मत देखिए, आप खुद उठिए और आपको जिसके ऊपर डाउट है, जो आपको लगता है कि बांग्लादेशी है, उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में जाकर आप कंप्लेंट करिए। मैं आपको दावा करता हूं, आपको अगर किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह की जरूरत है तो इन्हीं नंबरों पर सुदर्शन टीवी पर आप फोन करें, हम प्रयास करेंगे कि देश के कोने में आपको कहीं पर भी कानूनी सलाह या कानूनी सहकार कॉपरेशन हम दे पाएं। अगर आपको कुछ इससे खतरा भी महसूस होता है तो आपके पहले हम सीना लेकर आपके सामने खड़े रहेंगे, चिंता मत करिए। ऐसा सोचे बगैर अगर हम समस्या की तरफ देखेंगे तो कुछ नहीं होगा, हमें ऐसा ही एग्रेसिव होकर आगे बढ़ना पड़ेगा तो ही समस्या खत्म हो सकती है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में हम समारोप नहीं संकल्प लेंगे, शपथ लेंगे कि समस्या को खत्म होने तक हम अपने आसपास सजग रहकर बांग्लादेशी घुसपैठियों को खंगालेंगे। आसाम जल रहा है लेकिन हमारा मीडिया उस पर कुछ भी नहीं कह रहा है। अब ये मीडिया अपने आप में जब को चौथा स्तंभ कहने का कम लगता है उसकी, और अगर कश्मीर की स्थिति को नहीं भी बिगाड़ा है तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि वर्तमान स्थिति बिगाड़ने में कांग्रेस के अलावा, कांग्रेस और सत्तापक्षी सेकुलर दल जो है उनके अलावा ये मीडिया भी जिम्मेदार है। बिल्कुल, धन्यवाद सुनील जी। मीडिया के ऊपर आप प्रतिक्रिया दे चुके हैं, हम परिणाम की दिशा में जा रहे हैं। हम विस्तृत से देश को समझाना चाहेंगे आपके द्वारा कि ये परिणाम केवल आसाम के कुछ जिलों तक का नहीं है, ये बोडो कम्युनिटी तक इसका परिणाम नहीं रहने वाला है, तो ये कितना व्यापक है जरा आप नजर डालिए। देखिए, सबसे पहले तो पूरा आसाम जलने लगेगा, आज तो यहाँ शुरुआत हुई है, इसको समय पर रोकने का प्रयास करना चाहिए। बहुत बड़े पैमाने पर बांग्लादेश से हथियार गए महीने में आए थे, एक नाव में भर के, तीन नाव भर के हथियार आने वाले थे, लेकिन किसी कारण से दो नाव नौकाएं नहीं आ पाई, एक नाव भर के आए धुबड़ी जिले में और कोकराझार जिले में, ये हथियार छुपाए गए और इन हथियारों का उपयोग दंगाइयों ने किया, ऐसे आज ही आसाम के कुछ अखबारों ने रिपोर्ट छापी हुई है। और ये और भी हथियार आएंगे, पहले से भी रखे हुए रहेंगे। बिंदास बोल में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए जलते हुए आसाम का। हम आपको पूछ रहे हैं कि क्या आसाम भी कश्मीर बनने जा रहा है, और इस समस्या पर अब तक जितने भी कॉलर ने कॉल किया पूरी सहमति बताई है, और जितने भी सोशल नेटिजन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है 100% इस सवाल के साथ है, एसएमएस करने वाले भी 100% इस सवाल के साथ है। आप किसके साथ है, आप क्या कहना चाहते हैं, चुप मत बैठिए, क्योंकि ऐसे मुद्दे पर अगर चुप बैठेंगे तो देशभक्ति पर आपके सवाल या निशान उठ सकता है। आइए हम अब परिणाम की दिशा में जाएंगे और कुछ कॉलर अपनी बात को कहना चाहते हैं, पहले उनको सुनते हैं। नमस्कार। हाँ जी बोलिए। बोलूं? हाँ हाँ जी, मैं मीनू बोल रही थी। हाँ, पहले तो मैं सुरेश जी आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप ऐसा विषय लाए जब आज की भारत का मीडिया बिल्कुल सोया हुआ है इस इशू पर, और आपने इस प्रोग्राम को आप लाए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब गोधरा होता है तब तो मीडिया और संसद चुप रहती है हिंदुस्तान की, और जब गोधरा की प्रतिक्रिया अपने गुजरात के दंगे होते हैं तो ये तथाकथित प्रगतिशील मीडिया जो है शोर मचाने लगती है। जब कोसी उत्तर प्रदेश में दंगे हुए, हिंदू मारे गए तो मीडिया में एक शब्द भी नहीं आया, और अभी बरेली में कांवरियों के ऊपर पथराव हुए, गोलियां चली तो भी मीडिया कुछ नहीं कहता है, और करीब महीने भी रही है, महंगाई के कारण हो, भुखमरी के कारण हो, किसानों ने की हुई आत्महत्या के कारण हो, और दुनिया भर के समस्या भ्रष्टाचार के कारण हो, तो ये खिसकती वोट बैंक को रिप्लेस करने के लिए और बांग्लादेशियों को बुलाने का पाप कांग्रेस इस देश में जरूर करेगी। बड़ी ही जिसको छोड़ा नहीं जा सकता इसी प्रतिक्रिया फेसबुक पर शीला व्यास नोएडा से करती है कि इस दंगों को इसलिए भी बढ़ने दिया कि ये खबरों में छाए और अन्ना आंदोलन दब जाए, क्या कहेंगे? संभावना को मना नहीं कर सकते हैं ये, लेकिन ये खबरें तो जितनी चाहिए उस मात्रा में आ भी नहीं रही है ना, फिर भी जो आ रही है ये और बढ़े, मतलब ये गंभीर मुद्दा है, सरकार के ऊपर आरोप है और इसको भी हमने नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और कॉलर से सुनते हैं क्या बोलते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार बोलिए।
सर मैं राजेश सोनी बोलिए राजू जी। सर मैं ये कहना चाहता हूँ आज के मुद्दे के बारे में, आज सरकार किसकी है? कांग्रेस की। कांग्रेस की तो प्रेसिडेंट खुद विदेशियन है, तो वो विदेशियों को कैसे भगाएंगे? दूसरा आपने अभी कहा था कि पूरा ये कश्मीर अपना असम भी कश्मीर, सबसे पहले असम पर कुराड़ गिरेगी जो गिर चुकी है, शुरुआत हो गई है। इसके बाद में देखिए पश्चिम बंगाल में ये जलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये वोटों की राजनीति के कारण सीपीएम ने भी इसी तरह से बांग्लादेशियों को वहाँ पर आश्रय दिया और उनको बहुत बढ़ावा चढ़ावा दिया, उनको सब प्रकार की हलवा पूरी खिलाने का काम किया और उनके एक साथ सारे वोट अपने को पाने का प्रयास किया। अब वहां पर ममता बनर्जी का शासन है। देश का दुर्भाग्य है कि आज ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ वही व्यवहार कर रही है जो पहले सीपीएम किया करता था। इसलिए आप देखते रहेंगे आने वाले दिनों में बंगाल जलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठी है तो बांग्लादेशी घुसपैठी है सब जगह पर, उनका कैरेक्टर सेम है, चाहे बंगाल हो, चाहे आसाम हो, चाहे दिल्ली हो। दिल्ली में दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश है, यहाँ पर कम से कम 20 लाख बांग्लादेशी दिल्ली में है, उनकी बस्तियां हटाने का आदेश यहाँ के हाईकोर्ट ने दिया हुआ है, लेकिन गए 15 साल से यहाँ की कांग्रेस की गवर्नमेंट उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर रही है। ये बांग्लादेशी पूरे देश भर में फैलते जा रहे हैं, ये लव जिहाद में जैसे आसाम में शामिल है वैसे यहाँ पर भी है। इनके अंदर ऐसे ग्रुप्स बने हैं कि अब इनमें से इंटेलिजेंट बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाए और प्रशिक्षण देने के बाद आईएएस ऑफिसर्स उनको बनाया जाए, इंडियन सिविल सर्विसेज में इनको भेजा जाए, इसलिए तैयारियां हो रही है, इनके अलग प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं। बिल्कुल, मतलब जैसे इसराइल में होता है कि वहां की इंटेलिजेंस एजेंसियों में दूसरे देशों के बच्चे घुसाए जाते हैं और उनको फिर बड़ा बनाकर उसका प्रमुख बनाने तक लिया जाता है और उसका फायदा वो देश करता है जिसने इन्फिल्ट्रेशन किया है। ये भारत में भी हो रहा है। ये बिल्कुल है, और भारतीय मुसलमानों को ये चेतावनी है कि भारतीय मुसलमानों का भारतीय समाज के साथ जो सालों से समरस रहना है, इस समरसता को जो है बहुत बड़ा धक्का ये बांग्लादेशी घुसपैठिए पहुंचाएंगे। एक बांग्लादेशी आकर बम फोड़कर चला जाएगा, लेकिन वहां का स्थानिक मुसलमान बदनाम हो जाएगा और हिंदू मुसलमान वहां पर लड़ते रहेंगे। इसलिए भारतीय मुसलमानों ने भी सारे हिंदुओं के साथ खड़ा रहकर बांग्लादेशियों को अपने बस्तियों से निकाल बाहर करना चाहिए। भाई तुम बांग्लादेशी घुसपैठिए हो, हम मुस्लिम है, इसलिए मुसलमान होने की दुहाई देकर हमारे बस्तियों में तुम बताओ। ये भारतीय मुसलमानों ने अपना व्यवहार दिखाना चाहिए, तब जाकर इनको यहां पर कोई रखने वाला नहीं रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि वो वोटों के भूखे भेड़िए तो उनको बुलाते रहेंगे, कांग्रेस तो बुलाती रहेगी, सीपीएम बुलाती रहेगी, क्योंकि उनकी वोट बैंक एक तरफ खिसकती